आज का बड़ा अपडेट है मुंगेर रेल सह सड़क पुल परियोजना पर। इस वीडियो अपडेट में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आखिर निर्माण कार्य कहां तक हुआ है और यह कब तक काम पूरा होने की संभावनाएं हैं। पार्ट 3 अपडेट यह हमारा वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले भी चैनल पर डाल चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा क्लिप आ रहा होगा और यह वीडियो पूरा देखने के लिए हमारे वीडियो के इंड स्क्रीन में जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही आई बटन में भी हम इस वीडियो का लिंक डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंडियन रेलवे के आर। लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस तरह के प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य देखने के लिए इस वीडियो को आगे शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही कोई अन्य खबर जानना चाहते हैं तो हमारी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मुंगेर रेल पुल भले ही चालू हो गया हो लेकिन सड़क पुल अभी भी शेष है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 पिलर यहाँ पर बन चुका है और इसके ऊपर बीम को रख दिया गया है। हालांकि इसके बाद भी एक पिलर को छोड़ करके उसके बाद बीम लगातार रखा गया है। वो एक पिलर किस लिए छोड़ा गया ये तो वजह समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमारे कैमरे मैन के हिसाब से वो एक पिलर इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पर कुछ व्यवसायी लोग रहते हैं और कुछ घर अपने बना के रहते हैं, जिस कारण वो जमीन पर खाली करने को लेकर के तैयार नहीं हो रहे, जिस कारण यहाँ पर अभी काम रुका हुआ है। हालांकि क्रेन को यहाँ पर लगा दिया गया है, जैसे ही आदेश मिलेगा इन्हें जमीन खाली करने का यहाँ पर वो बीम को भी रख दिया जाएगा जिससे यह काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। और यह अपडेट में आप देख सकते हैं कहां तक काम हुआ है, पूरा सुपर स्ट्रक्चर आप यहां पर देख रहे हैं। आपने हमें कमेंट किया था कि इस पर एक लेटेस्ट वीडियो और स्टार्टिंग पॉइंट से एक वीडियो बनाएं, जिस कारण यह वीडियो हमें बनाना पड़ा। तो चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं आखिर यह पुल कहां पर निर्माण हो रहा है और ये कहां तक जाएगी। तो चलिए आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर के सैर कराते हैं। ये सुपर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं और यहां पर क्रेन की मदद से कुछ काम किया जा रहा है। यहां पर एक पिलर को ज्वाइन किया जा रहा है, यहां पर देख रहे हैं कुछ मजदूर लगे हुए हैं और इसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मुंगेर गंगा घाट के निकट सिर्फ 2-3 ऐसा पाया है जहां पर अभी काम शेष है। इसके बाद आगे पूरा देख सकते हैं कि बीम रख दिया गया है। इस वीडियो में पूरे अंत तक हम जाएंगे आखिर कहां तक पिलर ढलाई हुआ है और कहां तक बीम रखने का काम हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और आपको पूरे अंदर से कितना भव्य लगता है ये दृश्य यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सुपर स्ट्रक्चर बहुत ही भव्य है और इतना बेमिसाल प्रोजेक्ट मुंगेर में हो रहा है, जिस कारण मुंगेर से बेगूसराय, खगड़िया और गंगा के उस पार के जिला आपस में जुट सकेंगे। आम यात्रियों को सुविधा होगी और कारोबारी को भी बहुत फायदा होने वाला है। हालांकि रेल मार्ग तो चालू हो चुका है लेकिन अभी सड़क मार्ग शेष है। हम अंदर पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे करके आप यहाँ से भी देख सकते हैं कितने पायों पर बीम रख दिया गया है। इससे पहले यह वीडियो आपने कोई भी अतिरिक्त चैनल पर नहीं देखा होगा, यह केवल हमारा चैनल खास आप ही के लिए लेकर के आया है।
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का अपडेट और भी आगे आने वाला है। हम आगे भी पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 और 5 जैसे तमाम वीडियो लाते ही रहेंगे और पूरा अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे। अगल बगल खाली जमीन पर आप देख सकते हैं कि बीम को रखा गया है। जेसीबी की मदद से इसे ऊपर सेट किया जाएगा और यह काम को पूरा करने की जल्द बात भी कही जा रही है। आम अधिकारियों का भी यहां पर आना जाना लगा रहता है। दो क्रेन को यहां पर रखा गया है और इसका काम बस इतना है कि बीम को उठा करके उस पे सेट करना है, जिसके बाद इसके ऊपर रोड की ढलाई एवं कंक्रीट वाले ढो रोड को सेट करके यहां पर सड़क मार्ग के लिए चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा। जिस दिन हमने यहां पर गया उस दिन संडे था और संडे को काम बंद था। थोड़ा बहुत काम शेष हो रहा था जो कि आप वीडियो में ही देख लेंगे। संडे को हमने इसलिए गए जिससे आपको क्लियर विजन आपको यहाँ का मिल सके और आम दिनों में आम लोगों को यहाँ पर घुसने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन हम लोग रविवार को गए थे जिस कारण हमें भीड़ कम और कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई रोक टोक नहीं मिला। ये आप क्रेन को देख सकते हैं, दो क्रेन यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं रेल पुल को सड़क पुल को जोड़ना अभी काम शेष है और यहाँ पर अभी नहीं जोड़ा गया है। इसे भी जल्द जोड़ लिया जाएगा। जब यह जोड़ लिया जाएगा उसका भी वीडियो अलग से हम बना देंगे। यहाँ पर दो काम शेष हो गया, एक जो पिलर वाला और दूसरा ज्वाइनिंग वाला। इसके बाद यहाँ पर काम लगातार जारी है और इसके आगे भी जल्द सभी बीम को रख दिया जाएगा। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं वाइड एंगल में। थोड़ा जूम कर दिया आपको जिससे सुविधा होगी देखने में। हमारे सीट में लगातार 6-7 पाए नजर आ रहे हैं, वहां पर अभी बीम रखना शेष बाकी है। काम इसलिए भी शेष है क्योंकि बीम ढलाई नहीं हुआ है और ढलाई हो जाने के बाद इसे रख दिया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ बीम साइड में रखा गया है, उसे भी जल्द उठा के उस पर सेट किया जाएगा। हो सकता है कि ये सब बीम सूखने के लिए रखा गया हो और यहाँ पर कुछ अन्य लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए हम यह वीडियो बनाए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमने आप ही के लिए स्पेशल वीडियो क्लिप बनाए हैं और यहाँ पर आप लोग ना जाएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि मजदूर लोग को डिस्टरबेंस हो और कोई दुर्घटना भी हो सकता है। इसलिए यह वीडियो ही आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ तक काम हुआ है। ये देखिए, यही दोनों पिलर है जहाँ पर अभी बीम को नहीं रखा गया है। क्या वजह है कुछ सामने बात नहीं निकल के आई है, लेकिन हमारे अंदाज से यहाँ पर जो रिहायशी घर जो बने हुए हैं उनको अभी हटाने की प्रक्रिया नहीं पूरी की गई है, जिस कारण यहाँ पर अभी सिर्फ क्रेन मौजूद है। जैसे ये लोग हट जाएंगे यहाँ से, यहाँ पर बीम को रख दिया जाएगा। उसके बाद यह पूरे एक सिरे में आपको मुंगेर गंगा ब्रिज रेल ब्रिज से जुट जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट से हम बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में
सारा प्रोग्रेस चालू है। वहीं दूसरी तरफ भी ट्रक और अन्य क्रेन की मदद से काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लेब को बहुत सारा रखा गया है। ये स्लेब को ऊपर रख करके, बीम के ऊपर रख करके ढलाई किया जाएगा। यही स्लेब है जिसे ऊपर रखा जाएगा और फिर उसके ऊपर कंक्रीट वाला रोड दिया जाएगा, जिससे रोड की मजबूती बरकरार रहे। देखिए पानी के टैंकर सामने से गुजरी और ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइट पर ही जा रही है और यहाँ पर पानी देने का इसे काम सौंपा गया है। हालांकि हमने संडे को गए थे इसलिए यहाँ पर कुछ काम में ज्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगल बगल कितने सारे स्लेब और अन्य उपकरण रखे हुए हैं, जिसे ज्वाइन करके एक सुपर स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया जाएगा। अगल बगल रेत है और हमने पूरा वीडियो आप ही के लिए किया है रिकॉर्ड। तो ये रहा आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।